नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण जो है इससे राशन वितरण में असुविधा हो रही है। आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आ रहा। कार्डधारी लोग हम लोग को आके उल्टा पुल्टा बकते हैं, हम लोग उनको समझा बुझा के बोलते हैं। बिहार में जन वितरण प्रणाली दुकानों में हो रही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार इसे डिजिटल के माध्यम से जोड़कर नई कवायद शुरू कर दी है, मगर पॉस मशीन के सहारे जन वितरण प्रणाली के दुकानों से राशन लेने वाले ग्राहक और राशन देने वाले दुकानदार दोनों ही परेशान है। और पीला कार्ड के लिए परेशान है और राशन नहीं मिल रहा है। हम लोग को 5 दिन से आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आ रहा। हम लोग इतना दूर से दौड़ते हैं खर्चा करके 100 रुपये का राशन लेने के लिए 100 रुपये खर्चा करते, फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं हम लोग को। परेशानी आ रहा है, गार्जियन का नाम उड़ा दिया, बच्चे लोग का नाम है, उसका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। 4 दिन से दौड़ रहे हैं, काम धाम छोड़ करके परेशान है। ये देखिए सबका सारा का आधार कार्ड है मेरे पास। राशन मिला आपको? राशन कहाँ से मिलेगा, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है तो राशन नहीं मिल रहा है। दुकानदार की माने तो अक्सर सर्वर डाउन रहता है, जिस कारण मुश्किल से 10 से 12 ग्राहकों को ही दिन में अनाज दे पाते हैं। ऐसे में ग्राहक की नाराजगी उफान पर रहता है, पर करें तो करें क्या? मशीन के आने से सबसे ज्यादा परेशानी तो पहले ऑनलाइन, जब हम लोग आते हैं दुकान में आधा घंटा पौने घंटा बैठते हैं तब किसी तरह ऑनलाइन होता है। इसके बाद बीच बीच में टावर फिर भाग जाता है। और दूसरा परेशानी है कि किसी भी पीला कार्ड का ऑनलाइन में पॉक्स मशीन में लोड नहीं ले रहा है, न उन लोग को राशन मिल रहा न राशन दे रहे हैं। कार्डधारी लोग हम लोग को आके उल्टा पुल्टा बकते हैं, हम लोग उनको समझा बुझा के बोलते हैं, यही सब सारा परेशानी है। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो है नेटवर्क एकदम पूरा फैल रहा, हम तो पूरा परेशान है। क्यों? उपभोक्ता को माल नहीं दे पा रहे हैं, उपभोक्ता हमको गाली गलौज कर रहा है बाहर में। कितना दिन से परेशानी? इसी महीने से। एक दिन में कितना कस्टमर ना दे पाते हैं? एक दिन में अभी तक मैं मात्र में मतलब 25 तारीख से दुकान खोल रहे हैं, 8-4-12 कस्टमर को हम माल दे सके। ऐसे मैनुअल रहता तो कैसा था? मैनुअल में तो हम 5 दिन में जो है सारा कस्टमर को माल दे देते। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव पंकज पाल के मुताबिक किसी तरह की तकनीकी परेशानी होने पर पुराने तरीके यानी मैनुअल तरीके से अनाज का वितरण किया जाएगा। पाल के मुताबिक तकनीकी परेशानी के कारण किसी भी उपभोक्ता को अनाज उठाव से वंचित नहीं रखा जाएगा। कटिहार के प्रभारी मंत्री राम नारायण मंडल भी कहते हैं कि ऐसी शिकायत उन तक भी पहुंची है, जल्द पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को दुरुस्त की जाएगी। एकाध परेशानियां की बात सवेरे मेरे सामने भी इस तरह का आया है। वैसे ये सिर्फ कटिहार का मामला नहीं है, पूरे राज्य का मामला है। कुछ ने कहा कि अंगूठा टीप ये सब देने का जो है उसमें कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन ये पूरे राज्य का मामला है, हम उसको देखवाएंगे और पूरे राज्य में उसमें क्या हो सकता है, क्या संभव है, ये सब करने के बाद ही कुछ जवाब देना ज़्यादा उचित होगा।